Hey guys, welcome back to my channel. KGF के सुपर हिट होने के बाद से अब कन्नड़ इंडस्ट्री से भी कई फिल्म एक साथ सभी भाषाओं में रिलीज हो रही हैं। लेकिन सभी फिल्में KGF की तरह सुपरहिट नहीं होती। ऐसे ही संदलपुर इंडस्ट्री से KGF की तरह एक और फिल्म आ रही है जो पैन इंडिया रिलीज होगी, जिसका नाम है कब्जा। इस फिल्म से कन्नड़ के रियल स्टार उपेंद्र लीड रोल में है, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं हेलमर आर चंद्रू, जो उपेंद्र के साथ पहले भी दो फिल्में कर चुके हैं। ये भी एक पीरियड ड्रामा फिल्म होगी जिसकी कहानी 1947 से 1980 के बीच की होगी। ये एक अंडरवर्ल्ड एक्शन ड्रामा फिल्म है जो KGF की तरह एक बड़े बजट पर बन रही है और इस फिल्म को 7 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म का कोई बज नहीं था, लेकिन जब फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया तो ये फिल्म चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि इस फिल्म का फर्स्ट लुक सभी को पसंद आया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हुआ। फर्स्ट लुक में फिल्म की मेकिंग साफ तौर पर देखी जा सकती है कि मेकर्स इस पर काफी मेहनत कर रहे हैं। फिल्म में उपेंद्र के अलावा मनोज बाजपेयी, नाना पाटेकर, प्रदीप रावत और तेलुगु के एक्टर जगपति बाबू भी इम्पोर्टेंट रोल में हैं। फिल्म की हीरोइन को लेकर अभी खबर नहीं है, लेकिन र्यूमर ये है कि काजल अग्रवाल से इस फिल्म के लिए बातचीत चल रही है। फिल्म को करीब 80 करोड़ के बजट पर बनाया जा रहा है। इसकी कहानी माफिया डॉन पर बेस्ड है, इसलिए इससे उम्मीदें अधिक ज्यादा हैं कि ये फिल्म हिट होगी। ये तेलुगु, कन्नड़, तमिल, हिंदी, मलयालम, उड़िया, मराठी भाषाओं सभी भाषाओं में रिलीज होने वाली है। इसके डायरेक्टर ने यह दावा किया है और बताया है कि हमें पूरा भरोसा है कि ये फिल्म सुपरहिट होगी। इस फिल्म की 30% शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और बाकी की शूटिंग लॉकडाउन हटने के बाद चालू होगी। पहले इस फिल्म को मई में रिलीज किया जाना था, लेकिन अब इस फिल्म को आगे बढ़ा दिया गया है, इसलिए ये फिल्म शायद 2020 के अंत तक रिलीज हो। वैसे आप इस फिल्म को हिंदी में देखने के लिए कितना एक्साइटेड है कॉमेंट करके जरूर बताएं। If you like this video, please like and share. Don't forget to hit the bell icon for notifications. And for more such videos, subscribe to Know About All. Thank you.